हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी का वेस्ट मैनेजमेंट का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्पेसिमेन पेपर। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस इस पूरे वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस इस चैप्टर से। इस वीडियो को करके क्या फायदा होगा मैं आपको ये बता देती हूँ। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने से आपका ये फायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो इस चैप्टर को सेलेक्ट करेगा फॉर योर सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन या फिर फर्दर एग्जामिनेशन, उनको क्या क्या बेसिकली किस तरीके से उनको खुद को प्रिपेयर करना है ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके अपने बोर्ड्स में। बस इसी चीज की क्लैरिटी के लिए ये पूरी वीडियो बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पिछले पांच साल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएंगे जो कि इस चैप्टर से उठाए हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट यानी कि 30 लाइक्स कंप्लीट करो। जैसे ही आप 30 लाइक्स कंप्लीट करते हो मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी इस कंप्लीट क्वेश्चन सेट का। तो गाइस इसी के साथ चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, चलो अभी तक क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या है, अब दिखेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पिक किया है आपके स्पेसिमेन पेपर से, उसका क्वेश्चन क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बताना है इंडिया में। तो पहली बात, वेस्ट मैनेजमेंट का क्या क्या फायदा होता है कि ये हर तरीके के पॉल्यूशन को मिनिमाइज करता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या फिर एयर पॉल्यूशन हो, ठीक है। एंड इट ऑल्सो मिनिमाइजेस द इट ऑल्सो मिनिमाइजेस द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन रोकता है ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेस्ट नियर द सी और नियर द रिवर, ठीक है। वाटर बॉडीज के पास में जब आप वेस्ट डंप करते हो तो उससे कितना हार्म होता है पानी को, पानी हजार्डियस हो जाती है। तो इन सारी चीजों को ये प्रिवेंट करेगा अगर आप वेस्ट अच्छे से मैनेज करते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेग्रीगेशन कंसिडर्ड अ सेफ मेथड ऑफ डिस्पोजल, वाई, ठीक है। यानी सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेट का मतलब क्या, अलग करना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से या फिर अलग अलग टाइप के वेस्ट को एक दूसरे से अलग करना, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना, ठीक है। तो आखिर सेग्रीगेशन को इतना सेफ मेथड क्यों कहा जाता है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। नाउ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट या फिर सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट इन टू कैटेगरीज लाइक हजार्डियस वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्सेट्रा, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम एंटरिंग द म्यूनिसिपल सीवेज कनेक्टेड टू रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है आपके घर के पास में, अब तो आपको नहीं पता किसके अंदर किस किस तरीके के कचड़े हैं, मे बी इसमें कुछ मेडिकल वेस्ट हो सकता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है। तो इन सारे वेस्ट को जब आप अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, जब इनको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा तो पता चलेगा कि कौन सा वेस्ट हार्मफुल है और कौन सा वेस्ट हार्मफुल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उसे फर्दर ट्रीट किया जाएगा। तो दिस इज द रीजन क्यों सेग्रीगेशन को एक सेफ डिस्पोजल मेथड कहा जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मेंशन थ्री वेज दैट मे बी यूज इन इंडिया टू रिड्यूस वेस्ट। आप कौन से तरीके से वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने हैं। एक तो क्या कर सकते हो, रीपर्पसिंग योर हाउस होल्ड ट्रैश, ठीक है, हाउस होल्ड में जो भी थ्रैश, थ्रैश नहीं कचड़ा, ठीक है, हाउस होल्ड डर्ट या हाउस होल्ड थ्रैश, ठीक है, कचड़ा रबिश, ठीक है, इन सारे चीजों को आप जितना हो सके उतना यूज करो। यानी कि चीजों को फेंकने से पहले आप जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पुराना बुक्स होंगे, पुराने कॉपीज होंगे, तो इन सारे चीजों को फेंको मत, उसको अगर आप कोई और चीज में यूज कर सकते हो सो दैट विल बी बेटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, यू कैन बाय थिंग्स इन बल्क ताकि आपका पैकेजिंग ज्यादा ना हो, यानी कि ज्यादा प्लास्टिक की लेने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, बाय ओनली द राइट क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग, व्हाट एवर यू नीड, जस्ट टेक द अमाउंट यू रियली वॉन्ट टू हैव, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू आर सपोज टू मेंशन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन थ्री रीजंस एज टू व्हाई द डंपिंग ऑफ वेस्ट मे बी हार्मफुल। नाउ व्हाई द डंपिंग ऑफ वेस्ट मे बी हार्मफुल, नाउ बिकॉज you are going to dump the waste in the open areas, ठीक है, so the rats, then rodents and many other harmful insects would be like feeding onto it, or it will become a breeding ground of those insects and finally it will make that place dirty and prone to diseases, okay. next point is what, now when you will dump things, जब आप
ओपन में या फिर कहीं पे आप वेस्ट को डंप करते हो, तो वो जो मिट्टी होती है दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पर्टेंट. ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, द वेस्ट यू डंप मे बी डिकम्पोजिशन के बाद वो कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज करे, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होगा. फाइन, और साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है वो उसमें भी वो भी गंदा हो जाएगा अगर आप रोड पे या फिर किसी ओपन एरिया पे या फिर आप वेस्ट को अगर डंप करते हो, तो ये सारे उसके डीमेरिट्स है या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स. यू कैन राइट एनी थ्री. ओके, नेक्स्ट 2020 क्वेश्चन की बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया, इट रेफर्स टू सेपरेटिंग और सॉर्टिंग द वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो इट्स अ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मेथड. ओके, नाउ व्हाई इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एसेंशियल बिफोर इट्स डिस्पोजल. नाउ व्हाई, नाउ वेस्ट सेग्रीगेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अंडर दिस वेस्ट इज सेग्रीगेटेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, क्या होता है कि आप वेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो या फिर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, तो अब जो फर्दर आपको इन कचरे को किस तरीके से ट्रीट करना है वो काम आसान हो जाएगा. यानी कि अगर आप ही या फिर वेस्ट को अगर पहले ही सेपरेट कर दिया जाएगा ना, तो फिर बाद में इन वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल करना है या फिर इस वेस्ट को कहाँ डंप करना है, ये चीज आसान हो जाएगी. ठीक है, सो इट 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 हेल्प्स इन द और इट स्पीड स्पीडेंस अप द रिसाइकलिंग प्रोसेस. ओके, सो यू हैव एम्पल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन. Next question, why should sewage be treated with disposal? Why shall we treat the sewage before disposing it? Okay, now because if you directly dispose the sewage into the water bodies or in the seas, in the rivers, then it may be dangerous for the aquatic plants and animals, right? और इसके वजह से पानी भी गंदा हो जाएगा, वाटर बॉडी विल बिकम वेरी हार्मफुल. ठीक है, इट विल बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ सो मेनी इंसेक्ट्स. ओके, एंड फाइनली इट मे कॉज हार्म टू ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ एज वेल. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यू नीड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्ट वाटर पॉल्यूशन. सो you can write many points. For example, it causes health hazards, it also makes the water dirty, it causes threat to aquatic life, issues in agriculture. There are many points which you can write. Bas ek point ko bhi pick up kar do aur usko acche se explain kar dena. Okay, now what is the benefit of composting? Now compost, it improves the, now firstly composting ka fayda kya hota hai, jab aap composting karte ho na, to jo kachra rehta hai aapko us, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट का ये बल्क रिड्यूस करता है. ओके, सो दिस इज द मेरिट ऑफ कंपोस्टिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू गिव द एग्जाम्पल. तो देखो, अगर आपके पास, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर वास. ठीक है, तो आपके पास पुराने ग्लास बॉटल्स हैं, सो यू कैन मेक फ्लावर वास और पेन स्टैंड विद दैट. ओके, सो व्हाट विल हैपन देन जो आपका वेस्ट है, यानी कि आप उस पुराने ग्लास को तो फेंक देते हैं, लेकिन अभी आप उसको रिसाइकल कर लिए, तो आपको नया फ्लावर वास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी और साथ साथ आपका जो पुराना ग्लास बॉटल था वो भी यूज में आ गया. ओके, सो दिस इज द वे हाउ रिसाइकलिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग. Mention one initiative taken by the government to manage waste. So many steps are taken. For example, more sewage plants are being created, and there are so many steps taken by the government. Proper management is ensured, and so many things are going on. Okay, so how can you as an individual contribute towards waste management? Now, what can you do from your side? Now, तुम्हारे घर पे जब तुम किचन में काम करते होगे या फिर जब तुम्हारे पेरेंट्स काम करते होंगे, तो वेजिटेबल पीस और काफी कचरा रिलीज होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इससे आप कंपोस्ट बना सकते हो और उस कंपोस्ट, उस खाद के इस्तेमाल से आप छोटे छोटे पौधे उगा सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का है. मेंशन टू वेज इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन ओपन एरियाज कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ. नाउ हाउ, सबसे पहली बात, बहुत तरीके के इंसेक्ट्स उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है. जस्ट आई टोल्ड यू अबाउट डंपिंग वेस्ट को जब डंप करते हो, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, मस्कीटोस वहां पे आते हैं और ये उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, एंड दे कैरी सो मच
so much dirt and like they cause like it may give rise to so many diseases. ठीक है. And if the solid waste is burned, it may release harmful gases. Even the decomposition of the waste, some organic waste or some waste products, it may release harmful gases. ठीक है. So these are the things which you can keep in your mind. Now next question. What can an individual do to reduce waste at home? What can you do to reduce the waste at home? You need to write only one point. ये जो 3 marks लिखा है ना, ये first वाले का 1, second वाले का 1 और फिर last वाले का 1. तो ऐसे करके ध्यान देना. तीनों का एक एक marks है. तो आप क्या कर सकते हो अपने घर पे ताकि आप वेस्ट रिड्यूस करो. जो आपके पास पुराने क्लोथ्स हैं, यू कैन लाइक डोनेट इट टू द नीडी वंस, और यू कैन ऑल्सो शेयर योर बुक्स एंड कॉपीज विद द नीडी वंस. Why must segregation of waste be done before disposal? We already did, है ना, हमने just किया कि इसका क्या फायदा होता है जब आप waste को segregate करते हो, तो इससे ये होता है कि ये आपका recycling process को increase कर देता है. ठीक है, just we did like a few questions back, हमने just कुछ देर पहले करा ना, तो ये वही होगा. Now how has composting proven to be a great help in managing waste? इसका reason क्या होता है कि जब आप वेजिटेबल पील्स और जो भी किचन वेस्ट होता है, किचन सीवेज, किचन वेस्ट, इसके इस्तेमाल से आप अच्छा खासा मैन्योर बना सकते हो, जिससे कि वेस्ट भी कम हो जाएगा, वेस्ट भी अच्छे से ट्रीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके लिए अच्छा खासा मैन्योर बन जाएगा, जिसके मदद से आप अच्छा खासा लाइक गार्डनिंग कर सकते हो, छोटे से एरिया में प्लांटिंग शुरू कर सकते हो. नाउ यू नीड टू गिव द रीजन फॉर दीज क्वेश्चन. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया because the release of gases, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा गैस रिलीज होता है. तो ये जो ट्रीज क्या करेंगे, ये ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, सिंपल सी बात, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फर्टिलाइजर्स मे बी रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, व्हाई? बिकॉज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. दिस इज बिकॉज इट इज बेटर एंड स्पेशली यूज्ड व्हेन फॉर वेजिटेबल्स. ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और साथ साथ के पानी को भी होल्ड करके रख सकता है, और साथ ही साथ ये नेचुरल है तो ये आपको ज्यादा बेटर, आपके प्लांट पे ज्यादा बेटर ये असर करेगा. ठीक है, और आखिर केमिकल तो केमिकल ही रहता है, ऑर्गेनिक चीज बेस्ट रहती है. प्लास्टिक एंड पॉलिथिन प्रोडक्ट्स मस्ट बी बैंड, बिकॉज Why? Because ये environment में कभी भी ये चीज कभी भी आप इसको हटा नहीं सकते दुनिया से. ठीक है, इट्स अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक या पॉलिथिन, ये हमेशा दुनिया में रह जाती है, ये टूटती नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है इसको ट्रीट करने में, इसीलिए इट शुड बी बैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2018, आई मीन ईयर 2018 के क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू रीजंस एज टू व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेफ डिस्पोजल. व्हाई सेफ डिस्पोजल का फायदा क्या क्या होता है बताओ. बिकॉज ऑल टाइप ऑफ वेस्ट पोज अ चैलेंज टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, हर तरीके का वेस्ट एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाता है. तो अगर आप सेफ डिस्पोजल मेथड यूज करोगे तो उससे क्या फायदा होगा कि हाँ, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म नहीं होगा. नेक्स्ट, अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज इन टू स्ट्रीम, इट मे कॉज डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ. हाँ, अगर आप अनट्रीटेड यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट आपने उसको ट्रीट नहीं किया या फिर उसको प्रॉपरली कहीं पे डिस्पोज नहीं किया, अच्छे से अगर उसको साफ मतलब उसको एक प्रॉपर तरीके से आप उसको डिस्पोज नहीं करते हो, तो वो एनवायरनमेंट को, और अगर वाटर बॉडी में उनको रिलीज कर देते हो, तो ये वाटर बॉडी को डर्टी और साथ साथ एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत हार्म पहुंचाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वेस्ट बी रीयूज. वेस्ट को कैसे रीयूज करोगे, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. हमने कुछ टाइम पहले ही किया है ना, ओल्ड बॉटल्स का एग्जाम्पल मैंने दिया था. नाउ यू नीड टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट, सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग एंड डंपिंग. सेग्रीगेशन हमने कर लिया है ऑलरेडी. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में छाटते हैं या फिर अलग अलग कैटेगरीज में वी सेपरेट देम. कंपोस्टिंग इज व्हाट, कंपोस्टिंग इज सिंपली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट इन टू ह्यूमस लाइक सब्सटेंस और इट कन्वर्ट इट इन टू कंपोस्ट. ठीक है, what is dumping? Dumping, it is simply an activity of depositing waste in an area or dumping of the waste in an area, just depositing या फिर throwing away. Waste को कहीं किसी जगह पे आप फेंक दो या फिर उसको वहां पर डिपॉजिट कर दो. अब 2017 के questions देखो. क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्या, what do you mean by the following? Sewage. देखो sewage, देखो ये 2 marks का होगा. ठीक है, do not get confused, this is of 2 marks.
2 मार्क्स का है, तो सीवेज वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट लाइक वी कैन नॉट टेक एनी चांस, है ना, तो चांस नहीं लेते, एक बार देख लेते इसका डेफिनेशन. तो द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम डोमेस्टिक प्रेमिसेस लाइक रेसिडेंसेस, इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इज कॉल्ड सीवेज, यानी कि वेस्ट वाटर. ठीक है, वेस्ट वाटर, वेस्ट के साथ जो वाटर रिलीज होता है, ठीक है, जैसे कि आपके घर के आसपास में बहुत सारी नालियां होंगी, ड्रेनेज होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब सीवेज है, इसमें बहुत तरीके के वेस्ट आ जाते हैं. सिंपल रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग हमने जस्ट कुछ देर पहले करा था, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप डिस्कार्डेड या फिर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हो बिना उसमें कुछ खास चेंजेस किए हुए, या फिर ज्यादा न्यू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, कम रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन इज एन एयर पॉल्यूटेंट दैट कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट. नाउ यू नीड टू गिव 3 सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. कहाँ कहाँ से हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज? एक तो माइनिंग के प्रोसेस से हो सकता है, लेट मी राइट दिस क्वेश्चन आंसर. माइनिंग एक तरीका हो सकता है, माइनिंग कुड बी अ सोर्स, देन लैंडफिल्स. ओके, मीथेन की बात की जा रही है ना, एंड देन वेटलैंड. ठीक है, यानी कि मीथेन कहाँ कहाँ से रिलीज हो सकता है, बस आपको कोई 3 बताने थे सोर्सेस, यू कैन लर्न दीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, 2016 के क्वेश्चन की. तो मेंशन एनी 2 सोर्सेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट का 2 सोर्सेज बताओ. बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट. ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रीज, ये सारे सोर्सेज है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ये सारे सोर्सेज है वेस्ट की. ठीक है, तो 2 आपको याद है ना, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, या फिर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये दोनों चीजें याद रखना. नाउ व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमने ऑलरेडी, देखो एक चीज मैं बताना भूल गई, हमने ये पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाया, यानी कि मैंने इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी प्रोवाइड की है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. काफी छोटी है जो डिस्क्रिप्शन है ना पूरे चैप्टर का, काफी शॉर्ट में हमने किया है, प्लस नोट्स के साथ. तो मत सोचना कि बस शॉर्ट है तो हमने कुछ नहीं कवर किया, हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, और साथ ही साथ उसमें आपको नोट्स नाम की भी चीज मिलेगी, जिसका इंतजार सभी बच्चों को होता है. और आपको इस कंप्लीट चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है काफी टाइम पहले. जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अभी जाकर कर लो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होता है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, यानी कि मैंने पहले से सारे बैकअप प्लान आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं. ठीक है, सारे चीजें आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, बस इंतजार है आपका आना और आकर सारी चीजें प्रिपेयर करना और एग्जाम देना, बस यही है. ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होता है पूछ लेना मुझसे. अब देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बचपन से लेके अभी तक पढ़ रहे हो. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, किचन पेपर, ग्रीन वेस्ट एक्सेट्रा, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम थ्रू माइक्रोबियल एक्शंस ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया. इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे जिसे तोड़ सकता है, ठीक है, जो कि टूट सकता है, और जिसमें से कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी रिलीज नहीं होता. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये तीनों का डेफिनेशन बताना है. कंपोस्टिंग का हमने कर लिया, इनसेरिनेशन देखो बाकी है. नाउ अगेन, इनसेरिनेशन बहुत सारे बुक्स में दी हुई है और कुछ कुछ बुक्स में नहीं दी हुई है, और सेग्रीगेशन तो हमने कर ही लिया. तो मैं ना इनसेरिनेशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस. सो इट इज अ प्रोसेस, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रिलीज, ओके, POUNDS कंपाउंड that release thermal energy, that release thermal energy and produce CO2 and water. Okay, so ये basically क्या है,
इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेट, देखो, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज किया जाता है, ओके, ऑक्सीडेशन होता है इनका, दैट रिलीज थर्मल एनर्जी, प्रोड्यूसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीजें ये रिलीज करता है, ठीक है, तो इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द वेस्ट। तो गाइस ये रहा आपका इस कंप्लीट चैप्टर का 5 ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्पेसिमेन पेपर भी हमने कर लिया इस चैप्टर से। तो गाइस वी आर डन विद दिस। आई विल से कि अगर आपको इस कंप्लीट चैप्टर का या फिर इस कंप्लीट वीडियो का आपको सॉल्यूशन चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, सो जस्ट गेट मी 30 लाइक्स इन दिस वीडियो, दिस इज द टारगेट फॉर दिस वीडियो। जैसे ही आप ये टारगेट कंप्लीट करते हो, 30 लाइक्स जैसे ही वीडियो को मिल जाते हैं, वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। नीड नॉट वरी अबाउट दिस, बस मैं इंतजार करूंगी 30 लाइक्स का। जैसे ही 30 लाइक्स होता है, योर पीडीएफ विल बी मेड अवेलेबल इन द टेलीग्राम। सो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, लुकिंग फॉर बेटर रिजल्ट, थैंक यू।